got distinction, scoring 100% in physics in annual examination of Akhan Education Board in physics. तो मेरा जो मोटो था इस अचीवमेंट का कि डिस्टिंक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें जो आपका जो आपके पास जो विल है वो होना चाहिए, आपके अंदर वो पोटेंशियल होने चाहिए और आपने ये बिलीव करना है कि आप आगे जाके हाई अचीव कर सकते हैं. जैसे मैंने एक ये मेरे लिए एक माइलस्टोन यहाँ पे अचीव किया है. तो मैं ये स्टूडेंट्स को और बाकी सारे उनको जो विलिंग है इस अचीवमेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर अपने कॉन्सेप्ट्स को सही तरह क्लियर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको एप्लीकेबल बनाएंगे अपनी लाइफ में, तो आप इस तरह के हज़ारों डिस्टिंक्शंस ले सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माय नेम इज़ सिद्रा सदरुद्दीन. आई एम स्टूडेंट ऑफ अकेडमी ऑफ एक्सेलेंस ज़ुल्फ़िकाराबाद गिलगित. करंटली स्टडिंग इट सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग एंड आई हैव गॉट डिस्टिंक्शन स्कोरिंग 100% इन फिज़िक्स इन एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ अखान एजुकेशन बोर्ड इन फिज़िक्स. तो मेरा जो मोटो था इस अचीवमेंट का कि डिस्टिंक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें जो आपका जो आपके पास जो विल है वो होना चाहिए, आपके अंदर वो पोटेंशियल होने चाहिए और आपने ये बिलीव करना है कि आप आगे जाके हाई अचीव कर सकते हैं. जैसे मैंने एक ये मेरे लिए एक माइलस्टोन यहाँ पे अचीव किया है. तो मैं ये स्टूडेंट्स को और बाकी सारे उनको जो विलिंग है इस अचीवमेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर अपने कॉन्सेप्ट्स को सही तरह क्लियर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको एप्लीकेबल बनाएंगे अपनी लाइफ में, तो आप इस तरह के हज़ारों डिस्टिंक्शंस ले सकते हैं. अव्वल तो मैं KIU बोर्ड से यहाँ आई हूँ. मैंने माइग्रेटेड है मेरा बोर्ड. मैं KIU बोर्ड की थी मैट्रिक तक. मैंने वहाँ एग्जामिनेशन दिया, उसके बाद फर्स्ट ईयर के लिए मैं AKU बोर्ड को मैंने ज्वाइन किया. तो सबसे पहले मेरे लिए एक रिस्क था कि मैं KIU से AKU की तरफ आई हूँ, तो मेरे लिए आगे जाके मैं स्कोर कर पाऊँगी कि मैं इस कन्फ्यूजन में थी. लेकिन जब मैंने एक साल यहाँ पे गुजारा और यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए, यहाँ पे पढ़ा, तो तब जाके पहले तो मैंने अनएक्सपेक्टेडली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा मैं अचीव करूँगी. तो जब रिज़ल्ट आया तो आई गॉट 100 and 100 इन फिज़िक्स. तो इसमें मैं एक चीज़ बताऊँगी कि फ़िज़िक्स में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसलिए ये एक रीज़न हो सकता है कि मैंने ये चीज़ अचीव किया. सर, इसमें चीज़ें रटने वाली बात नहीं है. रोट लर्निंग की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाएं. आपका रोट अप्रोच नहीं होना चाहिए अगर आप AKU बोर्ड के स्टूडेंट हैं. तो ये बहुत स्पेशल बोर्ड है, बहुत यूनिक बोर्ड है कि स्टूडेंट की जो सलाहियतें हैं उनको जो है ना उभरने के लिए उनकी जो है ना हेल्प की जाती है इस बोर्ड में. तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताऊँगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर हो गए, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं विदाउट नॉट टेकिंग द रोट अप्रोच, तो तब जाके आप डिस्टिंक्शन ले सकते हैं. इस तरह के कई डिस्टिंक्शन आप ले सकते हैं जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एक टॉपिक के हवाले से. टेक्नोलॉजी और जो है ना एडवांसमेंट का दौर है और यहाँ पे हर छोटे से छोटे बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप है, तो वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स. और इस तरह की जो रिलेशनशिप है घर में, तो एक गैप आ जाता है. एक कमरे में रहने के बावजूद भी हम बहुत दूर हैं, मीलों दूर, एक इस टेक्नोलॉजी की वजह से. ये इस टेक्नोलॉजी ने तरक्की के साथ साथ बहुत सारे मसाइल भी पैदा किए हैं कि हम जो है ना माँ बाप के साथ सही से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं. हम वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा जो है ना मोटिवेटेड हैं ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी. हम कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स के साथ हम ज़्यादा एफिलिएटेड हैं. तो हम ये कहेंगे कि जो ये एडवांसमेंट का दौर है, ये जो है ना इट्स टेम्परेरी, इट्स नॉट परमानेंट. कभी आपके डेवलपमेंट आएगी, कभी नहीं आएगी, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं वो दे आर द रियल गोल्ड, दे आर द रियल डायमंड. और ये ऐसे रिश्ते हैं कि जिनकी मदद से आप जो है ना हर मुश्किल, हर आसानी में, हर खुशी, हर गम में जो है ना आप आगे प्रोस्पर कर सकते हैं. मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि एज़ अ यूथ जो है ना मैं आगे इस तरह ऐसे प्राउड आपको कराऊं जो है ना अपने अचीवमेंट से. यही मेरा पैगाम है. आगे मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस तरह के प्राउड मोमेंट्स मेरी तरफ से मिले इस अचीवमेंट में. और मैं आई वुड रेंडर यूज़फुल सर्विसेज टू माई कंट्री. और मैं जो है ना सिविल एविएशन और एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहूँगी सर, सेकेंड ईयर के बाद.